सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आप लोन ट्रैवलर देख रहे हैं। जैसा कि आपने सिक्किम अन्वेषण के दूसरे दिन की यात्रा के हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, गुरुडोंगमार झील से निकलने के बाद हम अपने होटल में रात्रि विश्राम के लिए लाचुंग पहुंचे। दिन हम युमथांग घाटी के रास्ते जीरो पॉइंट जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जीरो पॉइंट उत्तरी सिक्किम का एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह युमथांग घाटी से लगभग 22 किमी उत्तर में स्थित है। फीट की ऊंचाई पर यह जगह ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। जीरो पॉइंट अंतरराष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब है और इसलिए संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विदेशी नागरिकों को जीरो पॉइंट पर जाने की इजाजत नहीं है। 25 किमी दूर युमथांग घाटी से यहां पहुंचने में पर्यटकों को लगभग 1.5 घंटे और लाचुंग से लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। यहां पहुंचने के बाद आगे कोई नागरिक सड़क नहीं है और इसीलिए इसे जीरो पॉइंट कहा जाता है। हालांकि सड़कें जोखिम भरी हो सकती हैं, लेकिन यहां गाड़ी चलाना सुंदर और प्राचीन पहाड़ी दृश्यों का इनाम देने लायक है। हमने जल्दी यात्रा की, इसीलिए रास्ते में कोई रोड ब्लॉक या जाम नहीं था। शायद हम साइट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए वहां कोई भीड़ नहीं थी और हम स्नो स्लेजिंग का आनंद ले सकते थे। जीरो पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको रबर रेन जूते की एक जोड़ी किराए पर लेनी होगी ताकि आपके जूते गीले न हों।
ऊंचाई पर होने के कारण युमे सामडोंग अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने साथ भारी ऊनी कपड़े ले जाएं। कठिन स्थान को देखते हुए चाय, कॉफी, मैगी और उबले अंडे उचित दरों पर उपलब्ध हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप बर्फ में याक भी देख सकते हैं। जीरो पॉइंट में जमीन का शायद ही कोई हरा भरा हिस्सा है, सिवाय उन हिस्सों के जो बर्फ पिघलने पर दिखाई देते हैं। ये नाथुला दर्रे की तुलना में एक अच्छा स्थान है जो अधिक भीड़ भाड़ वाला लगता है। जीरो पॉइंट में कई गर्म झरने हैं, सभी सल्फर से भरपूर हैं, जिनमें उपचार शक्ति के साथ औषधीय गुण हैं। भूटिया समुदाय द्वारा इसे पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसमें उपचार गुण होते हैं। पारंपरिक रूप से त्योहारों के दौरान स्नान अनुष्ठान और प्रसाद के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए जीरो पॉइंट से लौटते समय हमारे ड्राइवर ने एक गर्म झरने पर जाने का सुझाव दिया। पानी का तापमान हर झरने में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ ये 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच था। वहाँ स्नान करने के तुरंत बाद मुझे उस गर्म झरने के उपचार गुणों का एहसास हुआ। हॉट स्प्रिंट से लौटने के बाद हम युमथांग घाटी में रुके, जो पहाड़ों से घिरी एक बड़ी घाटी है जहां पेड़ों की रेखा समाप्त होती है। अप्रैल मई जून में घाटी में रंगों का दंगा हो जाता है, क्योंकि रोडोडेंड्रोन, प्रिमुला और कई अन्य अल्पाइन फूल पूरी तरह खिल जाते हैं।